जी, मैं नित्यानंद राय एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी बनास बार एसोसिएशन। देखिए, कल जो है एक प्रतिष्ठित अखबार में इस आशय की खबरें छपी कि बनारस कचहरी को संधा ले जाने के लिए शासन स्तर पर, हाई कोर्ट स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है और जमीन वहां पे एक्वायर की जा रही है। उस खबर को पढ़ करके हम सारे अधिवक्तागण जो बनारस में 10,000 की संख्या में हैं, सभी बहुत ही आक्रोशित और मर्माहत हैं। और बनारस बार ऐतिहासिक दी बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री ने आज जो है कार्य से विरत रहने का हम लोग को आश्वासन दिया है। वो पेपर अभी जो है दस्तखत हो रहे हैं, आज से स्ट्राइक पे हम लोग जा रहे हैं। और ये आपको बताना चाहेंगे कि बनारस कचहरी को बाहर ले जाने का ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम बनारस कचहरी के अधिवक्ता इस बात पे संकल्पित और वचनबद्ध है कि हम लोग की कचहरी को संधा ले जाने का हर जोर विरोध किया जाएगा और इस बात के 100% व्यवस्था की जाएगी कि हम लोग की कचहरी यहीं रह जाए, हमारे कचहरी का स्थानांतरण हो बल्कि हमारे कचहरी का यही विस्तारीकरण हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बनारस क्लब जाओ अय्यासी का अड्डा पिछले 100 साल से बना हुआ है, वहां पे यहां के जो धन पशुओं ने लाइब्रेरी की जमीन पे, रोड की जमीन पे, बंजर की जमीन पे कब्जा, अवैध कब्जा किया हुआ है और उस जगह पे कचहरी का विस्तारीकरण हो सकता है। आप आप समझ लीजिए कि यहीं पे बहुत बड़े बीघों में पागलखाना रन कर रहा है, उसमें कचहरी का विस्तारीकरण हो सकता है। कमिश्नरी का आवास उतना बीघों में बड़ा हुआ है, कमिश्नर का आप देखिए डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल पे है, किस प्रकार के एग्जीक्यूटिव गलत निर्णय बना रहे हैं। यहीं पे 12 तल्ला डमरू कमिश्नरी, आप 18 तल्ला डमरू कमिश्नरी में प्रस्तावित है जहां सारे एग्जीक्यूटिव के अधिकारी वहां बैठेंगे। कहने का मतलब कि एग्जीक्यूटिव यहां के डीएम, यहां के पुलिस कमिश्नर तो बनारस में बैठेंगे, वकीलों को संधा भेजेंगे, गाजीपुर बॉर्डर पे भेजेंगे। यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरा मान है, मेरी मांग है, मेरा अपना मानना है कि यदि कचहरी का विस्तारीकरण नहीं हो सकता तो यदि कचहरी भेजना है तो सब डीएम, कमिश्नर, कंज्यूमर फोरम, फैमिली कोर्ट, तहसील, सारे चीजों को आप बाहर ले जाइए और यहाँ सब खाली करिए। लेकिन एक चीज और बताना चाहूँ, कचहरी के स्थानांतरण का पुरजोर विरोध करेगा और किसी भी कीमत पर हम संधा को कचहरी ले जाने का विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।